हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीलम्स रसोई। चलिए आज बनाते हैं मूंग दाल और गेहूं के आटे से पुदीना फ्लेवर में परत वाली काजू नमकीन। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आधा कप मूंग दाल को 2 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। 2 घंटे में अच्छे से फूल गया है। जार में लेंगे मूंग दाल, 4 हरी मिर्च, 2 टुकड़ा अदरक, पुदीना फ्लेवर का नमकीन बनाने के लिए इसमें लेंगे 1 मुट्ठी भर पुदीने की पत्ती, 1 बड़ा चम्मच पानी डालकर इन्हें बारीक पीस लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना बारीक पीसा है, इसमें एक भी खड़ी दाल नहीं है। इसे हम मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। इसमें मिलाएंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, अजवाइन को क्रश करके डालेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार, 2 चुटकी हींग, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़ा चम्मच तेल, 1.5 कप गेहूं का आटा मिलाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, मूंग दाल का जो पानी है उसी से हम आटा गूंथेंगे। आटे से 5 लोई तोड़ेंगे, इसकी रोटी बना लेंगे। पांचों लोइयों की मैंने रोटी बनाकर रख ली है। अभी हम साटा बनाएंगे। साटा बनाने के लिए कटोरी में लेंगे 1 बड़ा चम्मच घी, 1 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साटा हमारा तैयार है। एक रोटी लेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे साटा, अच्छे से फैला लेंगे। ऊपर से एक रोटी रखेंगे, उसके ऊपर भी साटा लगाएंगे। ऐसे एक एक करके सारी रोटियों को हम रख देंगे। लास्ट वाली जो रोटी है उसके ऊपर साटा नहीं लगाएंगे। इन्हें बेलकर थोड़ा बड़ा कर लेंगे। कोई सा भी बॉटल का ढक्कन लेंगे, रोटी से काजू का शेप काट लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा काजू का शेप कट के निकला है। इसी तरीके से हम सारे काजू के शेप को काट लेंगे। अच्छे गर्म तेल में लो टू मीडियम गैस पर इन्हें सुनहरा होने तक तल लेंगे। सारे काजू शेप को मैंने फ्राई कर लिया है। इन्हें चटपटा बनाने के लिए प्लेट में लेंगे 1 छोटी चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, अगर चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें आमचूर मिला लीजिए, आधी छोटी चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। मसाले को काजू नमकीन में डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूंग दाल और गेहूं के आटे से परत वाली पुदीना फ्लेवर में काजू नमकीन बनकर तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए, अपने अनुभव नीलम्स रसोई पे शेयर कीजिए। और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू नीलम्स रसोई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।